रेलवे क्रॉसिंग पर खंभे लगने से यातायात प्रभावित, लोगों ने किया प्रदर्शन। बागडोगरा के प्रमोद नगर के प्रवेश द्वार पर रेलवे क्रॉसिंग पर रेलवे की ओर से खंभे लगने से यातायात प्रभावित हो रही है। कल रेलवे की पहल पर सुरक्षा की दृष्टि से रेलवे लाइन के दोनों ओर खंभे लगा दिए गए। इसके चलते दोपहिया वाहन बंद है। लोगों का कहना है अगर खंभे लगने के कारण एम्बुलेंस इस क्षेत्र में प्रवेश नहीं करेगी तो आने वाले दिनों में ये खतरनाक हो सकता है। शनिवार सुबह रेलवे लाइन बंद होने की आशंका जताते हुए रेलवे पुलिस और बागडोगरा पुलिस मौके पर ही मौजूद थी। रेलवे की ओर से माइकिंग कराई गई है। स्थानीय निवासी मनोज ओझा ने बताया कि ये समस्या 2012 से हो रही है। स्थानीय लोगों के हितों के बारे में सोचते हुए रेलवे को पत्र भेजा जा चुका है। इस बंदी से प्रमोद नगर के हजारों लोगों को परेशानी होगी, या तो फ्लाईओवर या अंडरपास उपलब्ध कराया जाना चाहिए। उन्होंने कहा हालांकि रेलवे का अवरोध करना सही नहीं है। पूरे मामले पर स्थानीय निवासियों ने बीजेपी सांसद राजू बिष्ट को ज्ञापन दिया। क्या असुविधा है और क्या हुआ है? देखिए, असुविधा है कि आपका 2012 से जो है रेलवे इंस्पेक्शन के नाम पे कि इंस्पेक्शन होगा इसके लिए बैरिकेटिंग कर देते थे। उसके बाद में हमारा एक गांव से लोग जाते थे, अगर लेटर वगैरह देते थे तो इसको खोल देते थे। तो 2012 से हमने जो है दार्जिलिंग में डीएम बैठते थे, उस समय छोटी लाइन थी, तो उस समय से हमारा प्रयास था कि इस गांव को एक रेलवे गेट दिया जाए या इसका परमानेंट कोई सोल्यूशन किया जाए, या अंडर पास हो या फ्लाई ओवर हो, इस तरह का कोई व्यवस्था लिया जाए। लेकिन ऐसा नहीं था। तो यहाँ कुछ लास्ट कुछ 10 या 15 दिनों से देख रहे थे कि रेलवे के कुछ कर्मचारी जो है यहाँ पे आके रह रहे थे दोनों साइड में, और रेल जाते वक्त में लोगों को रोक दे रहे थे। ये भी चल, मैं बोला कि चलो रेलवे का एक अच्छा पहल है, जिससे क्या होगा, एक्सीडेंट नहीं होगा, हमारे भी नज़र में ये चीज़ आया। लेकिन कल जब अचानक से आके उन्होंने यहाँ पे बैरिकेड कर दिया और बोला कि हर ड्राइवर जो है कंप्लेन कर रहा है कि यहाँ पे कुछ ना कुछ होता है, इमरजेंसी ब्रेक लगाना पड़ता है, जो उनके कर्मचारी रेलवे कर्मचारी के द्वारा पता चला हमें। तो उसके बाद से हमारा ये है कि कल ही एक एम्बुलेंस आया, उसमें पेशेंट थे, अब उसको ले आना गांव में अगर आग लग जाए। इसका क्या है कि कोई बड़ा रास्ता कोई नहीं है, इसका अल्टरनेट कोई रास्ता नहीं है, रास्ता यही है 16 फीट 18 फीट का जो रास्ता है, ये मेन रोड को हमारा NH एशियन हाईवे को टच करता है। इसके अलावा कोई अल्टरनेट का रास्ता नहीं है। इसका एक रास्ता है जो बागडोगरा टी स्टेट के अंदर से, जो उन्होंने बंद कर रखा है, उनका पर्सनल है, उन्होंने बंद कर रखा है। तो गवर्नमेंट ऑफ जो है रेलवे, उनसे हम लोगों का विशेष अनुरोध है कि यहाँ पे इसका सोल्यूशन तुरंत किया जाए, कुछ समय के अंदर में इसका सोल्यूशन किया जाए, या तो अंडरपास दिया जाए या फिर फ्लाईओवर बनाया जाए। ठीक है, रेलवे को रोकने का, और रेलवे का प्रॉपर्टी भी हमारा है, तो रेलवे को रोकने का या उसको क्षति पहुँचाने का हमारा या किसी भी देशवासी का ऐसा कोई मन नहीं है, ना इस तरह का कोई हमारा ये है। अगर किसी ने फैलाया है कि हाँ रेलवे रोकने के लिए यहाँ पर भीड़ इकट्ठा किया जाए, तो यह गलत है। ठीक है, धन्यवाद। अभी आप लोग का क्या परिस्थिति है, क्या क्या? देखिए, अभी हमारा जो है यहाँ के जो सांसद है राजू बिष्ट, ठीक है, इससे पहले जो थे अलूवालिया साहब, उनको लेटर दिया गया था इस मामले में, लेकिन शायद उस समय में ये इतना हाईलाइट नहीं होने के कारण, मीडिया में नहीं आने के कारण हो सकता है कि एक्शन नहीं हुआ। वो तो अभी जो है उनके प्रतिनिधि के तौर पर आ रही हैं, लक्ष्मी शर्मा जो है आपका डिस्ट्रिक्ट की है जनरल सेक्रेटरी, वो आ रही हैं और उनसे बातचीत हुआ है, तो बोले कि नहीं साहब, सर को लेटर पहले गया हुआ था, लेकिन अभी जो है आप लोग तुरंत क्लिक करके ये सारा चीज़ और वीडियो वगैरह हमें दीजिए, जिससे आप लोगों की समस्या वहाँ तक पहुँचे और इसका निवारण किया जाए। हम लोग चाहते हैं कि यहाँ पर देखिए, क्योंकि जैसे पता चला है कि रेलवे फाटक का तो प्रक्रिया बंद हो चुका है, तो अभी पे या तो अंडर पास कर दे या फिर फ्लाईओवर बना दे यहाँ पे, जिससे हम लोगों का समस्या दूर है। मेरा नाम मनोज ओझा है, मैं यहाँ इसी गांव का बसिंदा हूँ।